ठीक है, स्क्रीन भी सबको दिख रही है। तो आज का टॉपिक होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये समझ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक है कि ये सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? ठीक है, जब हम ये वर्ड सुनते हैं सीक्वेंस, तो ये क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन में बात करेंगे सीक्वेंस क्या होता है। सपोज मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ये क्या है? नंबर है। बट नंबर कैसे है? एक ऑर्डर में है। कैसे है बच्चों? एक ऑर्डर में है। जब किसी हम नंबर्स को, या सपोज अल्फाबेट्स ही ले लो आप, इसको एक सीक्वेंस में लिखे, एक ऑर्डर में लिखे, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सीक्वेंस कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, ठीक है, इन पर्टिकुलर पैटर्न, एक पैटर्न में अरेंजमेंट करोगे तो उसको सीक्वेंस कहलाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इन सबको हम क्या कहते हैं बच्चों? टर्म्स कहते हैं। ये तो छोटी छोटी बातें आपने पहले भी सबने पढ़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? एक ऑर्डर है, ऑर्डर में लिखा हमने, है ना? तो यही सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में यही है। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में आप नंबर्स को अरेंज करते हो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस के बारे में दो छोटी छोटी और बातें वो भी देख लेते हैं। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट नाम से ही आपको पता है, जैसे फाइनाइट सेट होता था वैसी फाइनाइट सीक्वेंस है। मतलब इसमें जो एलिमेंट, इसमें जो आपकी टर्म्स है वो क्या है? आप गिन सकते हो, तो ये फाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट मतलब जिसमें आप गिन नहीं सकते। तो गिन नहीं सकते तो कैसे दिखाएंगे ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम टर्म्स गिन ना सके, डॉट 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 करके। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी सीक्वेंस। ठीक है, तो ये तो सीक्वेंस तो हो गया। अब आता है सीरीज। सीरीज क्या होता है और सीक्वेंस क्या होता है, और ये क्या दोनों चीजें एक दूसरे से अलग है क्या? मुझे तो लगता था ये एक ही है ना? तो बट बच्चों सबको यही लगता है कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज एक ही होता है, बट ये एक नहीं होता, दोनों चीजें अलग है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों चीजें अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अभी तक आप सीक्वेंस लिख रहे थे, है ना दोस्तों? सीक्वेंस जब आप लिखते थे तो 1, 2, 3, 4, 5 लिखते थे, तो ये आपका सीक्वेंस हो जाता था। बट इसी में अगर हम कॉमा की जगह प्लस का साइन लगा दे, तो ये अब क्या बन गई है? हमारी सीरीज बन गई है। क्या बन गई है बच्चों? अब ये हमारी कहलाएगी सीरीज। क्या कहलाएगी? ये सीरीज। पहले क्या थी? ये सीक्वेंस, अब कहलाएगी सीरीज। ठीक है सर, तो सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज ये नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, सीरीज एक अलग चीज है, सीक्वेंस एक अलग चीज है, और सम ऑफ सीरीज भी एक अलग चीज है। जहां कहीं गुड इवनिंग, एक था गुड इवनिंग, जहां कहीं आप देख लो सम ऑफ सीरीज, वो एक पूरी एक अलग चीज होती है बच्चों। ठीक है, सीरीज, सीरीज का मतलब है इसको प्लस में लिखना बस। टू एक्सप्रेस द सीक्वेंस इन अ सम, ना सम, तो सम में लिख दिया। बट सम ऑफ सीरीज क्या हो गया? इनका टोटल कर देना। 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6 + 4 = 10 = 15। तो सम ऑफ सीरीज 15 है। ठीक है, तो सीरीज और सम ऑफ सीरीज दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है सर, यही बताया हुआ इस पैराग्राफ में। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि इसका निचोड़ यही लिखा है इसमें। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, अब बताओ कि अगर हमारी ये जो सीरीज ऐसे लिखी हुई है, ये थोड़ी सी लिखी हुई है तो चलो ठीक है, बट ये चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, तो सर मैं क्या करूं? इतनी लंबी है ये, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है इसको लिखने का? कोई शॉर्ट तरीका बता दो सर लिखने का। बिल्कुल, समेशन में लिखेंगे हम इसको। कैसे लिखेंगे? समेशन, जहां पे के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेकर n तक। यही था ना आपका? तो ये अगर आपको दिया हुआ है ऐसे, तो इसे शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है? समेशन, हाँ, 1 से लेकर n तक। ठीक है, 1 से लेकर n तक। ठीक है, क्लियर है? ओके, और यहाँ पे लिखेंगे ए के, जहाँ पे के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? के वैल्यूज from 1 to 1। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था अभी तक हमने जो पढ़ा अपना सीक्वेंस एंड सीरीज का। नाउ वी विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहले सीक्वेंस सीरीज के करते हैं, फिर एपी के लेंगे, फिर सम ऑफ एपी। ठीक है,
ये तो सर हमने 10th में भी पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है, बट यहाँ पे अब ये कॉन्सेप्ट में तो ज्यादा कुछ है नहीं, बट इसमें क्वेश्चंस की बहुत वैरायटी बनती है, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। अब इसमें से A1 दिया हुआ है -1, और क्या बताया हुआ है इसने, An, An क्या है, An-1 अपॉन में 2, अपॉन में 2, जहां पे n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, जहां पे n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन बोलता है बच्चों फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सेकंड टर्म आप मुझे निकाल के बता दो फटाफट, क्या होगी सेकंड टर्म, क्या होगी आपकी, ट्राई टू -1/2 -1/2। देखो एक बच्चे ने बता भी दिया, बिल्कुल ठीक है, थर्ड भी बता दो आप और फोर्थ भी बता दो आप ही, आप एक बच्चे ने बता दिया, जिसने बता दिया वो नहीं बताएगा, दूसरे बच्चे बताएंगे। चलो मैं बता भी देता हूँ इस बच्चे ने, कि देखो कितना अच्छा इसी कॉन्सेप्ट में रखा, बहुत इजी है ये, ठीक है हमें बार बार नहीं लिखना। ए एन की जगह लिखा है इन्होंने A2, ये हो गया A1, और ये यहाँ नीचे क्या है, नीचे क्या है, सॉरी एन है, यहाँ पे नीचे क्या है, एन है, ठीक है नीचे क्या है बच्चों, एन था, मैंने 2 लिख दिया था, ठीक है एन था, तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो एक पैटर्न दिख रहा है मुझे, क्या पैटर्न दिख रहा है मुझे, पैटर्न ये दिख रहा है, जो न्यूमरेटर है वो एक टर्म से कम है, और जो आपके क्वेश्चन में एन दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में एन है की वैल्यू है, और यहाँ पे एक लेस है, बस ये भी निकल जाएगा ऐसे। A3 और A4 बता दो फटाफट। तो A2 क्या आया था, A2 क्या आया था, A1 अपॉन में 2, तो ये कितना था, A1 था -1, क्वेश्चन में दिया हुआ ये, और ये 2। अब ये बताओ A3 क्या होगा, फटाफट से बता दो, पर बताओ बच्चों फटाफट से, ट्राई करो अपने अपने कॉपीज में, ट्राई करो बच्चों और बताओ। मैं बताऊं हाँ, कोई भी बताओ, जिसका भी हो गया वो बता सकता है। -1/6 है, उसके आगे वाली टर्म -1/24 है। वेरी गुड, ठीक है एक आया आंसर -1/6 और एक आया -1/24, ठीक है दूसरे बच्चों के लिए भी मैं कर देता हूँ, ताकि देख लो एक बच्चे ने दिया है, वेरी गुड, ठीक है देखो कैसे हुआ, ये इजी तो था, आप भी बता सकते थे। A3 है तो यहाँ पे क्या लिखना है, एक कम A2 अपॉन में 3, A2 कितना था आपका, -1/2 × 1/3, ये हो गया -1/6। A4 क्या था, A3 अपॉन में 4, 4 कैसे आया जी, ये बताया ना आपको पैटर्न, ये कितना आ गया आपका, -1/6 × 1/4, दैट इज -1/24, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब हमारा फिबोनाकी सीक्वेंस क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, ये फिबोनाकी सीक्वेंस क्या है, फिबोनाकी सीक्वेंस हमारा क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं बच्चों। ये एक तरीके की सीरीज है, सीरीज इन विच नंबर इज ऑब्टेन्ड, नंबर कैसे ऑब्टेन्ड होता है, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग प्रीवियस टू टर्म्स, इज नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हमारी नेक्स्ट टर्म कहाँ से आती है, बाय एडिंग प्रीवियस टू टर्म्स, मिनिमम टू टर्म्स तो हमें पहले पता ही होनी चाहिए, तभी हम तीसरी से स्टार्ट कर सकेंगे। तो ये क्या होता है हमारा फिबोनाकी सीक्वेंस, सपोज मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे 0 और 1, तो थर्ड टर्म क्या होगी, सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स दैट इज 1, क्या है ये 0 + 1 करके, ठीक है इसके बाद क्या होगी, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 2, प्रीवियस टू टर्म्स ये कैसे आई, 1 + 1 करके, आप बताओ आगे की टर्म्स, बहुत ईजी है बताओ बच्चे जल्दी जल्दी, 3, 5, वेरी गुड, 8, 8। हाँ तो ये फिबोनाकी सीक्वेंस था हमारा, क्या था ये हमारा, फिबोनाकी सीक्वेंस बोलते हैं इसे, ठीक है सॉरी ये 2 + 3 और ये हो गया 3 + 1, ये हमारा फिबोनाकी सीक्वेंस है। अच्छा ये पता कहाँ से चला बच्चों, ये पैटर्न देखा गया फिबोनाकी का, बहुत जगह पे ये पैटर्न देखा गया। अच्छा इस फिबोनाकी सीक्वेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन किस किस का सम है, ए एन -1 और ए एन -2,
जैसे सपोज ये ए थ्री ए था, ए थ्री क्या था, ए थ्री माइनस वन कितना होता है, ए टू प्लस ए थ्री माइनस टू कितना, ए वन, प्रीवियस टू टर्म्स का सम, ऐसे लिखते हैं उसको। कभी कभी क्वेश्चन में ये चीज दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए सीधा, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिबोनाची सीक्वेंस आया, ये फिबोनाची सीक्वेंस दिखता है आपको फ्लावर के पेटल्स में, कई फ्लावर होते हैं ना उनके जो पंखुड़ियां होते हैं उसमें आपको ये पैटर्न दिखने को मिलेगा, ठीक है। एक ही फ्लावर, एक ही वैरायटी का फ्लावर होगा, ठीक है, उसमें आपको तीन ऐसे दिख जाएगी, फिर उसी फ्लावर उसी ही वैरायटी में एक में आपको पांच पेटल्स दिख जाएगी, एक में दो दिख जाएगी, दो तो तीन, तीन दो तीन पांच, एक में उसी फ्लावर में आठ दिख जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि फिबोनाची सीक्वेंस जैसी चीज भी होती है, बहुत जगह हमें फिबोनाची सीक्वेंस ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस ये होता है जिसमें क्या होती है, नेक्स्ट टर्म इज सम ऑफ टू प्रीवियस टू टर्म्स, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बताया हुआ है ए वन और ए टू, पहली दो टर्म दे दी इसने, चलो बढ़िया हो गया, ठीक है। और ये बोल रहा है ये ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, ये तो हमें पता है फिबोनाची सीक्वेंस तो यही होता है कि हर एक टर्म क्या है, प्रीवियस दो टर्म्स का सम है। एन बताया हुआ है उसने बच्चों क्या, एन इज ग्रेटर देन टू, ठीक है, फॉर एन इज ग्रेटर देन टू, हाँ एन तो ग्रेटर ही रहेगा ना दो से, क्योंकि ए जीरो तो कुछ होते नहीं। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये बताओ, किसके लिए, एन इज इक्वल टू फाइव के लिए, एन इज इक्वल टू फाइव के लिए। तो एन इज इक्वल टू फाइव रखोगे तो ये कितना हो गया बच्चों, ए सिक्स बाय ए फाइव पूछ रहा है आपसे, ये ए सिक्स बाय ए फाइव, तो कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर फटाफट से, ए सिक्स बाय ए फाइव क्या होता है। कौन बच्चा बताएगा ये सिक्स बाई ए फाइव क्या होगा, कोई भी ट्राई करो, कोई भी ट्राई करो बच्चों। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, देखो कॉमन सेंस हम यूज करेंगे, हमें ए सिक्स ए फाइव निकालना है तो क्या करेंगे, फिबोनाची सीक्वेंस तो लिख लो, लक्ष्मी ने लिख दिया, वेरी गुड, फिबोनाची सीक्वेंस हम लिखेंगे, वन बाय सिक्स लिख रही है दीप्ति, ए सिक्स बाय ए फाइव बताना है हमें एज अ फ्रैक्शन बता दो, वन बाय सिक्स तो सभी वन बाय सिक्स होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो एट कैसे, बाय हाँ फाइव 8/5 इज द आंसर। तो इसको पूरा लिख लो ना आप, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फाइव, ये हो गया एट, तो 1 2 3 4 5, फाइव टर्म क्या है, फाइव और एट, बस इतना सोचना ही, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस भी हो गया हमारा, चलो बच्चों फिबोनाची सीक्वेंस भी हो गया। अब आ जाते हैं हम एपी के कॉन्सेप्ट में, ये एपी एपी क्या है, ये एपी एपी क्या है ये देख लेते हैं, ये भी एक सीक्वेंस ही है बच्चों। कैसा सीक्वेंस है, जिसमें अरेंजमेंट हुआ एक पैटर्न में, जब अरेंजमेंट एक पैटर्न में होता है ना तो उसे बोलते हैं प्रोग्रेशन, कई तरीके के प्रोग्रेशन है इसमें, ठीक है, हार्मोनिक, जीपी, ज्योमेट्रिक, एपी, अरिथमेटिक, इसमें देखते हैं क्या होता है, टू फोर सिक्स एट टेन, ये एक जीपी है, क्यों, क्योंकि इसमें हर एक टर्म एक कॉमन कांस्टेंट से बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है, कांस्टेंट नंबर से बढ़ रही है, तो ये क्या है बच्चों, हमारा जीपी है, सॉरी एपी है, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, हर एक टर्म प्रीवियस टर्म से, सिवाय फर्स्ट टर्म के, हर एक टर्म एक कॉमन डिफरेंस से बढ़ रही है, क्लियर है ये पॉइंट, ये एपी होता है। कितने तरीके के एपी होते हैं, इसे इस वाले एपी को तो हम बोल देते हैं इंक्रीजिंग एपी, कैसा एपी है ये, इंक्रीजिंग एपी, एक डिक्रीजिंग भी होता है जिसमें ऐसे होता है आपका, है ना, ये डिक्रीजिंग हो गया, क्या ये एपी है बच्चों, 5,5,5,5, कैसा से मोड, यस, सी क्यों एपी है जी, जीरो से बढ़ रहा है, डिफरेंस क्या है, जीरो, इसे बोलेंगे कांस्टेंट एपी, कैसा एपी है, कांस्टेंट एपी, ठीक है। तो एपी में यही है, और क्या कहता है, एपी में क्या रहती है, पहली टर्म ये रहती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए टू माइनस ए वन करके डी निकालते थे, ये कॉमन डिफरेंस होता है हमारा, ठीक है, कॉमन
कॉमन डिफरेंस बोलते थे इसे, ठीक है। और क्या थैंक रहता यू। है, जनरल टर्म होती है। हाँ कुछ पूछ रहे हो? सर ये सिलेबस में नहीं है क्या असली, नहीं है? एपी जीपी है खाली। पक्का यस सर। एपी है ही नहीं? नहीं मेरे को तो नहीं नो पता, ऐसा अपडेट आया कुछ बच्चे? सर, अब मैम ने नहीं कराया पी। हाँ मैम ने नहीं कराया, बट जो हमारे पास भी जो सिलेबस आता है पीछे से दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें तो ये है। अगर नहीं होता तो हम कराते ही नहीं, क्योंकि हमने भी कोर्स प्लानर बनाया था बच्चों को। और मैं ये शायद अभी तक, पता है ये आज आखिरी दिन है ये क्लास, मैं वेनसडे से लेता आ रहा हूँ। वेनसडे वाले बैच को पढ़ाया थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे में भी मॉर्निंग में भी पढ़ा है, बट उन सब बच्चों ने तो बोला है एक बार आप क्रॉस चेक करा लेना, हो सकता है आपकी स्कूल में स्किप हो गया हो। बाकी मैं फिर से चेक कर ठीक लूंगा, अभी हो सकता है कुछ अभी अपडेट हुआ हो हफ्ते एक पहले, बट अभी तक तो ऐसा कुछ अपडेट आया नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में जरूर आपका वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका जीपी ही होगा, जीपी या अरिथमेटिक में, ठीक है, वो सब होगा। तो ये देख लो जनरल टर्म क्या, और वैसे भी समझ लो अगर आप कोई भी पेपर वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी तो ये यूज होना ही है, और इसमें कुछ खास है भी नहीं, सीखोगे तो झट से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जनरल टर्म की फॉर्म में हम ऐसे लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस वन बाई डी, और क्या था इसमें, और तो कुछ नहीं होता इसमें एपी में। अच्छा एपी की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। पहली होती है ऐड वाली, है ना, क्या कहती है ऐड वाली प्रॉपर्टी। अगर आप एक एपी में फिक्स नंबर ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका एपी आएगा। सिमिलरली सब्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी होगा, और डिवाइड करोगे एपी को एक फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म से तो भी रिजल्ट जो आएगा वो आपका एपी ही होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा आपका एपी ही होगा, ठीक है। एक मिनट, ये हर स्लाइड में क्यों आया जा रहा है, आपको भी दिख रहा है बच्चों ये 195 वाला जनरल टर्म हर स्लाइड में कॉपी हो रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट बच्चों मैं दोबारा शो कर रहा हूँ। स्लाइड दिख रही है? स्लाइड दिख रही है ना बच्चों? यस सर। ठीक है, वो कुछ एरर आ जाता है कभी कभार, हो जाता है, ठीक है। तो हम कहाँ थे, फिबोनाची पढ़ लिया, एपी पढ़ लिया। हाँ एपी का क्वेश्चन करते हैं, अब एपी में इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, तो एक क्वेश्चन ही लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको बच्चों? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, अगर एपी आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, और मुझे बताओ पीएथ टर्म कैसे निकालोगे, क्या होगी हमारी पीएथ टर्म। चलो मैं हिंट दे देता हूँ आपको, क्या मैं बता देता हूँ थोड़ा, ये क्वेश्चन क्या है क्या रहा है पहले वो देख लेते हैं हम बच्चों, क्या है क्या रहा है ये। ये हमसे बोल रहा है एक एपी है जिसमें एमथ टर्म किसके बराबर है, एन के बराबर है, एनथ टर्म किसके बराबर है, एम के बराबर है। क्या पूछ रहा है हमसे, पीएथ टर्म पूछ रहा है, यानी हमसे ए पी ए पूछ रहा है। तो कोई भी बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है इसको, तो मुझे एक एटलीस्ट आप ये बता दो आप करोगे कैसे, पहले तो इसको ऐसे लिख लेंगे। चलो मैं एक और स्टेप आगे बता देता हूँ आपको, ये यही है,
और एक ये भी आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दिया हमने। अब बताओ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इक्वेशन ट्राई कर लो। नहीं, बताओ। हाँ इक्वेशन कैसे बनाओगे, ट्राई करो, बोलो। कोई बात नहीं, पीछे से कोई m माइनस एन प्लस पी, वाह देखो सीधा आंसर लिख रहे हैं बच्चे। तो कैसे होगा ये, आपको पता है कोई भी टर्म बनाने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, a और d। तो पहले क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी को भी कर दो, मैं सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, तो टू से सब्ट्रैक्ट किया, माइनस ए प्लस एम माइनस वन डी। टू से सब्ट्रैक्ट किया किसको, ये कितना आ गया, ये ए से ए कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, एन माइनस वन डी और एम माइनस वन डी, यही बचा ना। तो अब क्या करेंगे, डी कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया तो एन माइनस वन, ठीक है, प्लस एम, और यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एन माइनस वन माइनस एम प्लस वन, ये हो गया। प्लस वन माइनस वन कट गया, ये क्या बचा अंदर, एन माइनस एम बचा, एन माइनस एम बचा अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये भी क्या हो गया, एन माइनस एम, ये भी क्या हो गया, एन माइनस एम, ये दोनों कट गए। डी क्या आ गया, माइनस वन। अब बच्चों ने, किसी ने सीधा आंसर दे दिया, ठीक है। तो डी आ गया, डी आ गया, माइनस, उसने पहले किया होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना लक्ष्मी, ठीक है। कोई बात नहीं, डी आ गया माइनस वन। ए कैसे निकालोगे, इसी में पुट कर दो, ये इक्वेशन वन या टू किसी में भी पुट कर दो। ए क्या था, ए प्लस एम माइनस वन डी इज इक्वल टू एन था। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे माइनस वन, ये कितना हो गया एन, ठीक है। तो ए निकाल लो, ये हो गया ए माइनस, तो ए क्या हो गया, ए क्या हो गया, एन प्लस एम माइनस वन, ये आ गया। ए क्या आया, एन प्लस एम माइनस वन। क्या निकालना है, ए पी, कैसे निकालेंगे, ए प्लस क्या लिखते थे हम, एन माइनस वन डी ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ बच्चों, पी माइनस वन डी, ए की जगह पे लिख लो वैल्यू, ए की जगह पे क्या आएगी वैल्यू बताओ, एन प्लस एम माइनस वन, और यहाँ पे साइन डी क्या था आपका, डी था माइनस वन, है ना, माइनस वन लिख लिया। खोल लो इसको, एन प्लस एम माइनस वन माइनस पी प्लस वन, ये वन से वन कट गया, आंसर क्या आया, एन प्लस एम माइनस पी। अब लक्ष्मी आपका आ रहा है एम माइनस एन प्लस पी, सर कौन साइन सही मिस्टेक है, हो गई थी, डी माइनस वन निकला था ना, मैंने वन निकाल दिया था। देखा डी गलत निकला तो ए गलत निकला, ए गलत निकला तो ए पी गलत निकला। चलो कोई बात नहीं, वेल ट्राइड, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सर, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो एपी में ये दो क्वेश्चन हमने करे हैं, सम पे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं हमारे, सम ऑफ एपी पे थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इसमें कॉन्सेप्ट भी थोड़ा। तो सम ऑफ एपी पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं, जो है क्रिस फ्राइड गॉस की, शायद आपने सुनी भी हो, बट मैं सुना देता हूँ बच्चों। क्या छोटी सी कहानी सुन लो, पता तो एटलीस्ट होना चाहिए आपको, सम ऑफ एपी हम क्यों पढ़ रहे हैं आज, किसकी वजह से। तो ये थे बच्चों गॉस, 7 साल के हुआ करते थे, स्कूल जाया करते थे, ठीक है, पुअर फैमिली से थे बहुत ही, ठीक है। तो एक दिन स्कूल गए, लास्ट पीरियड, जैसे हम सबका लास्ट पीरियड होता है, और हम सब क्या चाहते हैं, लास्ट पीरियड, हे भगवान जल्दी से ही लास्ट पीरियड खत्म हो ताकि मैं घर चला जाऊं, घर चला जाऊं, मैं भी यही सोचता था। तो इनको भी यही लगा कि छुट्टी हो जाए जल्दी से, लास्ट पीरियड था, सब बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे क्लास में। टीचर ने बोला इनको चुप कराने का एक ही तरीका है, टाइम पास करने का भी, एक टास्क दे दिया जाए।
टीचर ने बोला 1 + 2 + 3 + 4 + ये लेकर कहाँ तक, इसका सम करो, 100 तक सम करो। ठीक है, टीचर इसको बच्चों को ये टाइम करने में निकल जाएगा, इतने में तो छुट्टी बैल बज जाएगी, खत्म, जाओ अपने अपने घर। इन महाशय ने बच्चों ये 3 से 4 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टीचर के पास गए और बोले 5050 इज द आंसर। उस जमाने में ना कैलकुलेटर, ना कोई कॉन्सेप्ट, ना कुछ इतना पढ़ाई लिखाई, बेसिक मल्टीप्लाई करना सीखते थे 7 साल के बच्चे तब तक। ठीक है, प्लस एडिशन डिवीजन ये सीखते थे, और ये बच्चा तो आंसर दे रहा। टीचर ने पूछा, भाई कैसे हो गया तुम्हारा, ये तो बताओ। उसको पहले यकीन नहीं हुआ, वापस भेजा, बोला दोबारा देख के आओ। उसने कहा नहीं, यही है आंसर। प्रिंसिपल के पास लेके गई, सारे टीचर्स ने फिर टोटल किया, उनको भी आइडिया नहीं था ये टोटल यही होगा इसका, देखा तो आंसर मैच हो रहा था। बच्चे से पूछा, बच्चे आपने किया कैसे, ये तो बताओ। तो उसने बताया क्या किया उसने, उसने पहले की 5 या 6 टर्म्स लिखी और आखिरी 5 6 टर्म्स लिखी, फिर क्या किया उसने, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम किया। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम होता है 101, ऐसे ही सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट और सेकंड टर्म का सम किया, ये भी 101 है। थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम किया, ये भी 101। फोर्थ और फोर्थ लास्ट का सम किया, ये भी 101। तो इन महाशय ने ऐसे पेयर बना लिए, तो कितने पेयर बने होंगे, 50 पेयर बने। इतने पेयर बने बच्चों, 50 पेयर, और हर एक पेयर का सम कितना था, 101। हर एक पेयर का सम था 101, 50 पेयर बनाए इन्होंने और हर एक का सम था 101। तो टोटल कितना आ गया इनका, 50 × 101 दैट इज 5050, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया 5050 इज द आंसर। और ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, तो यहीं से एपी का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, आगे जाके ये बहुत फेमस हुए, मैथमेटिशियन बने। ठीक है, तो यहीं से ये आपका, सॉरी, सम ऑफ एपी का कॉन्सेप्ट आया, और ये पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये क्या होता था, NN+1 बाय, क्या लिखते थे यहाँ पे, NN+1 बाय 2। ठीक है, जो आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन भी था, फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, निकालते थे ना ये फॉर्मूला, लगते रहते हम और निकाल लेते थे। ठीक है, ये निकाल लेते थे हम, तो यही चीज इन्होंने बताई। तो सम ऑफ एपी में यही कॉन्सेप्ट है। सम ऑफ एपी में कुछ चीजें देख लेते हैं हम। पहले क्या है, ये फॉर्मूला हम सबको याद है, N/A, इसको हम ऐसे लिखते थे, कैसे लिखते थे, 2A + N - 1D, है ना, ऐसे ही लिखते थे। ठीक है, और कैसे लिखते हैं इसको हम, ऐसे लिखते हैं हम, 2A को तोड़ दो, तो ये क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, तो ऐसे भी लिखते थे हम सम ऑफ एपी को। ठीक है, ये तरीका था लिखने का। और क्या क्या होता है इसमें सम ऑफ एपी में, हमें ये पता है फर्स्ट टर्म किसके बराबर होती है, S1 के बराबर। S2 क्या होता है, S2 क्या होता है बच्चों, S2 क्या होता है, आप सबको पता है S2 क्या होता है, A1 + A2। और अभी बताया मैंने आपको S1 क्या होता है, A1, तो जरा A1 की जगह ये रख लो, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, S2 - S1। तो एक ये फॉर्मूला भी होता है हमारा, AN = SN - SN - 1, ऐसे भी निकाल सकते हैं, SN - SN - 1। ठीक है, अच्छा ये समझना हो तो वैसे भी आप समझ सकते हो, सर ये इससे नहीं समझ में आया ये तो आपने, तो आपको पता है सम क्या होता है, ये क्या लिखते थे हम, 1 + 2 + 3, ये कहाँ तक, SN तक, सॉरी AN तक लिखते थे ना, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में कभी बताऊंगा, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अभी इतना ही समझ लो, ये फॉर्मूला ऐसा होता है, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिखते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक
ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया है और इसका आंसर अब आप बच्चों बताओगे। इसमें बोल रहा है फाइंड द आरएथ टर्म ऑफ एन एपी। एपी की आरएथ टर्म निकालनी है हमें। कौन सी टर्म? आरएथ टर्म। ठीक है जी, निकाल देते हैं। आरएथ टर्म क्या है? दिया क्या हुआ है आपने? दिया हुआ है सम ऑफ हुज फर्स्ट टर्म इज एस एन दिया हुआ है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या बतानी है हमें? आरएथ टर्म बतानी है। सम दिया हुआ है, कैसे बताओगे? बताओ कहाँ चला गया क्वेश्चन, बताओ। एक मिनट, माउस कहाँ गया मेरा? बताओ बच्चों कैसे बताओगे, कैसे करोगे ये क्वेश्चन, कैसे करोगे? कोई भी बताओ, अनम्यूट करके बताओ, चैट में लिखो, आंसर लिख दो। आंसर मत लिखना, बताना है भाई, ये प्रोसेस बतानी है। कैसे करोगे? कोई भी ट्राई करो। सर एस एन में जो है एन की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करके हम S1 निकल जाएगा, S2 हम ए और आर निकाल लेंगे, ए और डी निकाल लेंगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है ना, एपी बनाओ। एपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जी ए और डी चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें, S1 की जगह पहले यहाँ पे 1 रखो, तो ये आ गया आपका कितना, 5। यहाँ पे 2 रखो तो ये कितना आ गया बच्चा, कितना हो गया ये, 4 3 12, 12 + 4 16। ठीक है, तो A1 तो आपको पता चल गई, A1 S1 एक ही होता है 5। A2 क्या होगी आपकी, S2 - S1, ये अभी बताया आपको, यानी 16 - 5 6। ठीक है, तो आपका AP क्या बन रहा है, 5, 16 - 5 सॉरी 11। AP क्या बन रहा है, 5 11, यानी D कितना है, 6। ए कितना है, 5, 5 11 17 23, ये एपी बन रहा है आपका। ठीक है, एपी बनाने नहीं हमें, ए और डी चाहिए, तो दोनों हमें मिल गए। ए क्या है 5, डी क्या है 6। क्या पूछ रहा है आपसे, ए आर पूछ रहा है। ऐसे ही लिखेंगे, जनरल टर्म तो यही कहती है। ये कितना हो गया, 5 प्लस आर माइनस 1 × 6, 5 + 6R - 6, दैट इज 6R - 1। 6R - 1 इज दी आंसर, 6R - 1 इज दी आंसर। ठीक है, अब ये वाला एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा खींचेगा। इससे पहले क्या करते हैं ना, मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो आप करो, और जीतने वाले को iPhone 14 में गिफ्ट करूंगा। ठीक है, iPhone 14 गिफ्ट किया जाएगा, इसका आंसर बताना है। ठीक है, तुक्का भी मार, तुक्का नहीं मारना, पूछूंगा कैसे किया। ठीक है, क्या पूरा बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ एन एपी SN है QN² SM है QM² तो कहने की बात क्या है, यहाँ पे जो एम है और एन है, और अगर जैसे ये एस आर है, इसका क्या मतलब है, ये जहाँ आर होता है, ये आर क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ सम ऑफ टर्म्स, आर डिनोट सम ऑफ टर्म्स, ये बोल रहा है ये। एस आर क्या डिनोट करता है, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, ये कहने की बात ये है। तो इसका मतलब क्या, ये सम ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है भैया, SQ बता दो, कोई मुझे SQ बता दो क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। पहला प्राइज है इसमें आईफोन का, तो मैं चाहता हूँ बच्चों अटेम्प्ट करो और आप में से कोई जीतो। ठीक है, बताओ क्या होगा आंसर। ट्राई करो, ट्राई करो बच्चों। क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया ना, है ना, सबको आ गया। ट्राई करो, लक्ष्मी आप ही जीत जाओ। प्रियंका भी है, याना, प्रीति, दीप्ति, एकतल,
रजत ट्राई एवरीवन, जीत के जाओ आईफोन। और जो जिसको नहीं आ रहा वो एटलीस्ट कुछ तो आंसर बता के जाना, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे दूंगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ले जाना, कोई कोई गूगल से ढूंढने मत बैठ जाना। आया किसी का आंसर? किसी को नहीं जीतना iPhone 14 भाई, कोई नहीं जीतना चाहता, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, कोई नहीं बता रहा। इतना मुश्किल है ये क्वेश्चन तो, के मार लो, ABCD, ABCD तुक्का ही मार लो बच्चों। चलो अब थक हार के मुझे ही बताना पड़ेगा, कोई बता ही नहीं रहा, ये भी नहीं बोल रहे सर ट्राई कर रहे हैं। चलो एकता ए बोल रही है, लक्ष्मी बी बोल रही है, कोई सी और डी भी बोल दो ताकि सारे ऑप्शन बोल रहे से। दीप्ति सी बोल रही है, अच्छा याना डी बोल रही है, वाह बच्चा ही गया। चलो देख लेते हैं किसका चला, एटलीस्ट तुक्का सही लगाओ। चलो ट्राई करते हैं बच्चों, कैसे हो गई देखो, क्वेश्चन बोला उसने लक्ष्मी, शायद मुझे लग रहा था आप तो कर लोगे क्योंकि याना, चलो याना डी बोल रही है, अच्छा लक्ष्मी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया था ना वही वैसा ही है यार, बिल्कुल सेम, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन के बाद यही करा है। S1 लिखा लो बच्चों, क्या हो जाएगा, SN में रख रहा हूँ, SN में रखूँ या M में रखूँ बात एक ही है, किसी में भी रखूँ दोनों में एक ही AP बनेंगे, ये क्या बना क्यों। S2 निकालो, तो फर्स्ट टर्म हो गई आपकी Q, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी आपकी 4Q-Q दैट इज 3Q। आप इसमें भी करोगे ना SM की जगह भी रखते तो भी यही आता, दोनों सेम ही है तो ये AP है। ठीक है क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है SQ बताओ, Q/2। अब तो बच्चों इतना इजी तो था ये क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन में आईफोन छोड़ गए, बताओ यार N की जगह Q-1, आप C लिख रही है लक्ष्मी, तब पहले क्यों नहीं लिखा। तो दीप्ति जीत रही है भैया आईफोन, दीप्ति ये नोट्स भेजेंगे, इसका प्रिंटआउट निकाल लेना और इसको कट कर लेना, यही आपका प्राइज है, ऐसे ही मिलते हैं प्राइज अब। देखिए ये क्या हो गया, 2A की जगह पे रखूंगा क्यों, अरे दीप्ति तो देखो बच्चों इसी में खुश हो गई बताओ, चलो अच्छी बात है, Q/2, 2A की जगह पे क्या रखेंगे क्यों, और क्या आया हमारा 2N-1D, AQ ही आया था ना, हाँ और D था N-1 दैट इज Q-1D, कितना आया था 2Q, बस आ जाएगा इसको सॉल्व करते ही आंसर। दिखने में था ये इतना क्वेश्चन टफ दिख रहा था बट था नहीं, 2Q²-2Q।
कौन से टू कटा क्यों, सी इज दी आंसर। ठीक है, और बाकी एम एन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था क्वेश्चन में, ये आर वाला भी सारा बेकार में दिया कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है ठीक है, तो सी वॉज दी करेक्ट आंसर। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं एक बारी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर आप सब पढ़ना एक बारी। ठीक है, फिर हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। ठीक है जी, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म इज जीरो। ठीक है जी, शो दैट द सम ऑफ इज नेक्स्ट क्यू टर्म्स। ठीक है जी, क्या है इसके बराबर दिखाना है हमें, इसके बराबर दिखाना है हमें। इंट भी दे दिया इन्होंने इसी में, रिक्वायर्ड सम। ठीक है, सब कुछ तो दिया हुआ है बच्चों, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की ये बताओ आप, स्टार्टिंग कैसे करोगे इस क्वेश्चन की। क्या निकालोगे पहले, कैसे करोगे, एस क्यू हमें शो करना है, ये इसके बराबर माइनस ए पी प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन में पी माइनस वन। एस पी को ओपन करेंगे, पी बाई टू ब्रैकेट में 2a+p-1 इंटू डी एस। हाँ एक बार बताना क्या बोला आपने, एसपी को ओपन करेंगे एस फिर क्या निकालेंगे हम उसके बाद। चलो देखो ये बच्चे ने सॉल्व करो। बताया, चलो एक बच्चे ने पहले बताया स्टेप, पहले वो कर लेते हैं। एस पी इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है, इसको इन्होंने बोला है सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो गया पी प्लस पी बाय टू इंटू 2a प्लस क्या हो जाएगा ये पी माइनस वन, यही होगा ना। ये जब इधर जाके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो क्या बचा 2a+p-1/d। तो अब क्या करेंगे, कोई भी एक चीज निकाल लो, डी निकाल लेते हैं, -2a/p-1, यही कह रहे थे आप। सर इसके बाद क्या करेंगे, सरी तो ए क्या है अपने पास गिवन, ए कहाँ या है, कहीं गिवन नहीं है ना गिवन, तो कहाँ रखें इसको, ए तो ए ही है, ए तो ए ही गिवन है, ए क्यों निकालोगे, ए नहीं निकालना बच्चे, ए निकालते हम बट इसमें ही रख के ए निकाल देते, बट फायदा क्या, ए तो ए गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। क्यों वाली ठीक है, टर्म को ओपन करके उसमें रख के देखना। किसमें क्यों वाली टर्म को किसमें ओपन करके वैल्यू क्यू वाली टर्म को, ये ए माइनस ए पी प्लस क्यू इंटू क्यू पी माइनस वन, ये अच्छा क्यू में रख के, एस क्यू ओपन करके बोल रहे हो आप। यस सर। ठीक है बच्चा, देखो अच्छा ट्राई किया है इन्होंने, हमें एस क्यू ही फाइंड करना है, ये बताना है हमें एस क्यू, बट एस क्यू में हमारे को हम सॉल्व तो कर लेंगे बच्चों, बट इसको ध्यान से गौर करो इस चीज को, ये जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इसमें पी प्लस क्यू दिया हुआ है, पी प्लस क्यू किस सिनेरियो में आएगा, आ ही नहीं सकता पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू के लिए हमें कम से कम एस पी प्लस क्यू पता होना चाहिए, सर तभी हम पी प्लस क्यू लिख पाएंगे, नहीं तो पी प्लस क्यू कैसे आएगा, कहीं आ ही नहीं पाएगा। तो एस पी प्लस क्यू को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो एस पी प्लस क्यू को हमें क्या पता है, सम ऑफ पी टर्म्स प्लस सम ऑफ क्यू टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ पी प्लस सम ऑफ क्यू इज इक्वल टू एस पी प्लस क्यू। अब देखो ये क्या दिया हुआ है आपको, एक मिनट बच्चों, कुछ बच्चे और ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक मांग रहे हैं।
एक मिनट, क्लास खत्म हो रही है तब ज्वाइन करना, बच्चों को 10 मिनट बचे हैं। एंड में क्लास खत्म हो रही है, आना है बच्चों को। ठीक है, तो एस पी प्लस एस क्यू क्या हो जाएगा, एस पी प्लस क्यू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये तो आपको पता है बच्चों। ये कितना है आपका, जीरो, ये हो गया एस क्यू, ये हो गया एस पी प्लस क्यू। ये जीरो कैसे हो गया सर, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो एस क्यू किसके बराबर हो गया, एस पी प्लस क्यू, कुछ भी निकाल लो आप। ठीक है, कुछ भी निकाल लो आप। तो हम पी प्लस क्यू निकालेंगे, क्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्यू दिया, तो यहाँ पे रख दो पी प्लस क्यू बाई टू। ये क्या इतना हो गया, टू ए, यस यस यही होगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, पी प्लस क्यू, एन की जगह पे क्या आएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन, और डी की जगह भी डी ही रख दो। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। आपको ना कुछ क्वेश्चंस में भी देख के बच्चों हिंट मिलेगा। क्या हिंट मिलना है आपको, कि अब जब हम डी पे से मल्टीप्लाई करेंगे, डी क्या आया था मेरा, डी क्या आया था, कहाँ चला गया क्वेश्चन, डी क्या आया था मेरा, माइनस टू ए पी माइनस वन। तो बेसिकली ना ये कटता है इसमें कुछ ना कुछ, पी माइनस वन इस इक्वेशन में देखो कहीं से बन रहा है, बिल्कुल ये पी प्लस क्यू माइनस वन है। तो पी माइनस वन को मैं अंदर ही अंदर अलग, अगर अलग कर दूं तो कुछ कहानी बन सकती है। ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, p माइनस वन प्लस क्यू, ऐसे लिख सकता हूँ ना, इन टू डी, या सर नो, ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना लक्ष्मी, लिख सकते हैं ना ऐसे, से p माइन, है ना, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है d के नीचे p माइनस वन है, कटेगा वो। तो ये हो गया आपका क्या, p प्लस क्यू अपॉन में टू, ये टू ए प्लस, ये क्या हो गया, p प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, डी की वैल्यू रख दो आप। डी क्या था, माइनस टू ए इंटू पी माइनस वन। डी जब खुलेगा तो डी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और क्यू डी, क्यू डी को अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं क्यू डी को, हमने क्यू को क्यों नहीं खोला सर, क्योंकि इसको ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है उसमें क्यू नहीं खुला बच्चों, देख लो आप। ठीक है, क्यू है उसमें, इसलिए क्यू को नहीं खोला, नहीं तो क्यू और डी को भी खोल देते। ठीक है, मल्टीप्लाई अभी नहीं इसलिए छेड़ रहे इसको, एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, अभी इसलिए इसको छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे, डी को अभी नहीं खोल रहा। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए। ये कितना हो गया, टू ए, ये यहाँ पे क्या था, पी माइनस वन लिया था, सॉरी हमने अलग, है ना, गलत लिखा है यहाँ पे, पी माइनस वन अलग लिया था, पीछे की स्लाइड में देखेंगे अभी, पी माइनस वन हमने अलग लिया था, पी माइनस वन, ये देखो पी माइनस वन अलग लिया था, डी से मल्टीप्लाई करा तो ये डी से मल्टीप्लाई हो गया माइनस टू ए इंटू पी माइनस वन। ये तो कट गया सर, बिल्कुल कट गया। तो आंसर क्या आया ऊपर, टू ए माइनस टू ए इंटू क्यू डी, यानी मोटा मोटा बोले तो ये कितना आया, पी प्लस क्यू अपॉन में टू इंटू क्यू इंटू डी क्या रहेगा, माइनस टू ए अपॉन में पी माइनस वन, यही है, टू से खाली टू कटा तो ऊपर क्या बचा आपका, माइनस ए। ठीक है, और क्या बचा, पी प्लस क्यू, और क्या बचा, क्यू, और नीचे क्या बचा आपका, पी माइनस वन। यही था क्वेश्चन में, यही पूछा था ना आपसे, है ना बच्चों, यही पूछा था आपसे, यही शो करना था। तो इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक चीज थी हमारा जो समझने वाली थी, मेरे को तो लगता है वो ये चीज थी जिसने क्वेश्चन को चेंज किया। ठीक है, यही चीज थी, बाकी तो आपको सॉल्व करने वाला पार्ट था, ये चीज थी। इन चीजों को कैसे पता चलेगा, आपको जब भी क्वेश्चन में दिया हो ना, आपको भी देखना हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको, इसमें पी प्लस क्यू दिया हुआ था, आपको ये सोचना पड़ेगा पी प्लस क्यू आएगा कैसे, मल्टीप्लाई में है ना, अलग से पी प्लस क्यू है,
माइनस ए इंटू पी प्लस क्यू है ना, ये पी प्लस क्यू आएगा कैसे? ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें, ये पी प्लस क्यू कैसे आएगा, एस पी प्लस क्यू हमें करना ही पड़ा। ठीक है, ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास बच्चों, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू, सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू, ठीक है, एंड द सम ऑफ क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी इज पी, शो दैट द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स इज माइनस पी प्लस क्यू। ये शो करना है, मतलब पी प्लस क्यू क्या आना चाहिए, माइनस पी प्लस क्यू आना चाहिए। ठीक है, तो ये जरा बताओ एस पी प्लस क्यू को कैसे लिखेंगे, पहले ये बताओ। अभी किया हमने पी प्लस क्यू बाय टू इन टू टू ए प्लस, यही होगा। तो कहने की बात क्या है, इसको इसमें होगा क्या, ये जो पूरी इक्वेशन होगी ये क्या हो जाएगी, कट 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 जाएगी ये सारी इक्वेशन, और इसका क्या आंसर आया होगा, जरूर माइनस टू आया होगा। अगर ये माइनस टू होगी तो टू से टू कट जाएगी, ये जरूर एंड में सॉल्व करने पर ना ये ऐसे आना चाहिए, सॉरी नीचे तो टू है ना, ये टू से टू कट गया, ये बच गया माइनस पी बाई क्यू। तो ये किसके बराबर आना चाहिए आपका आंसर, ये तो शो करना है, ये मैं बता रहा हूँ। तो मतलब जब आप सॉल्व करोगे ये माइनस टू आएगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये अगर माइनस टू होता है यहाँ पे, इसको सॉल्व करते और हम ये माइनस टू होता तो हमारा तो क्वेश्चन हो जाता है ना, बट ये माइनस टू आएगा कैसे इस एस पी क्यू वाले पार्ट में, ये करेंगे कैसे बच्चों? सेम कॉन्सेप्ट हमारा जो हमने पहले करते थे, बट ये क्वेश्चन बहुत लंबा खींचेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ खाली ये क्वेश्चन होगा कैसे, करना आपको है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें तो कुछ नया था, इसमें कुछ नया नहीं है। एस पी निकालो और एस क्यू निकालो, याद रखना एस पी क्यू के बराबर है और एस क्यू पी के बराबर है, इन दोनों को निकालो। ठीक है, फिर जब दोनों इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी इक्वेशन वन, एक बनेगी इक्वेशन टू। ठीक है, टू में से सप्रैक्ट, टू में से वन कर देना, या वन में से टू, कुछ भी कर लो। सप्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन करता हूँ मैं तो जनरली। सप्रैक्ट करोगे, सॉल्व करोगे, आपकी डी की वैल्यू आएगी, आपकी ए की वैल्यू आएगी, फिर आप लिखोगे, जब डी और ए आ जाएगा बड़ा बड़ा आएगा, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैंने करवाया था सुबह की क्लास में। ठीक है, इसलिए अभी नहीं करा रहा, क्योंकि 7:30 बजने वाले, दूसरी क्लास भी है मेरी। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे एस पी प्लस क्यू को और इसको सॉल्व करोगे, तो इसमें ए और डी की वैल्यू रख देना, याद रखना जो सेकंड पार्ट आएगा कट कट आके वो माइनस टू आना चाहिए, तभी तो ये आपका शो होगा, तभी तो ये शो होगा। अगर आपका वो माइनस टू नहीं आ रहा होगा तो फिर गलत होगा। ठीक है, ये बात का आप बच्चों ध्यान रखना, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, मैं आपको आज क्या 7:30 बज रहे हैं ना, 9 बजे, 9 से 9:30 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली आपको आज की क्लास के नोट्स भेज दूंगा। जब आप नोट्स में नीचे जाओगे ना, बिल्कुल बच्चों डीपीपी होगी, नोट्स के अंदर ही मिलेगी डीपीपी, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं एज एन होमवर्क। ठीक है, और बुक की एक्सरसाइजेस भी आपको करनी है, एक बात ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है आपको याद रखना है, संडे का टेस्ट है, संडे मतलब हॉलीडे होता है मैं मानता हूँ, बट अपने कीमती समय में से प्लीज आइए, 2 घंटा निकालिए और टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से ही बैचेस बनेंगे जैसा आप स्कोर करोगे। ठीक है, और फिर उनमें पढ़ाई भी थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ना है तो एडवांस लेवल के हिसाब से पढ़ाई होगी, हमें कैसे पता चलेगा कौन बच्चा एडवांस है या थोड़ा किसको भी बेसिक चाहिए, वो उसके मार्क्स बताएंगे। ठीक है, तो जैसा आप पेपर दोगे मार्क्स आएंगे, फिर आपको उसके हिसाब से 2 बैचेज है जो फोटोन और कैटलिस्ट, उसमें आपको डाला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो संडे को टेस्ट जरूर देना, चाहे कुछ भी हो जाए, टेस्ट को लेके ज्यादा हवल्ला मत करना,
टेस्ट देना है। बस हम पहले तो ये देखना चाहते हैं एक्टिव कौन बच्चा है, कौन बच्चा टेस्ट दे रहा है। कुछ ऐसे बच्चे टेस्ट ही नहीं दे रहे, लीनियंट ले रखा है, छोड़ो देखा जाएगी। वह बहुत से बच्चे आते हैं बिल्कुल जब पेपर स्टार्ट होने वाले थे तब आते हैं, तब आने का फायदा नहीं है बच्चों को, तब रिविजन में कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो टेस्ट जरूर देना। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट ऑन संडे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में इतना ही था। आई एंजॉय टीचिंग यू ऑल। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गुड नाइट। Bye, थैंक see you. यू, बाय, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में सब जरूर आना। ठीक है, थैंक यू।